महाराज की जय। हेलो दोस्तों, मैं तृप्ति आप सबका इस नए व्लॉग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है सिंहगढ़ किला यानी सिंहगढ़ फोर्ट पुणे का। इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और अगर आप महाराष्ट्र के आसपास रहते होंगे तो आपको पता ही होगा कि पुणे का जो सिंहगढ़ फोर्ट है वो बहुत ही फेमस है, हिस्टोरिकल प्लेस है एक, और एक बार तो जाना बनता है। सो बेसिकली मैं तो पुणे से हूँ तो मैं हर सीजन में यहाँ पे जाती हूँ, हर सीजन में एक बार तो हमारा जाना होता ही है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा लाइक आफ्टर विंटर जो समर टाइम होता है तब का व्लॉग है। मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ थोड़ा, लेकिन व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि लास्ट तक व्लॉग जरूर देखे। और मैंने यहाँ पे पूरा सिंहगढ़ किला जो है उसका जो मेन पार्ट है वो पूरा ही कवर करने की कोशिश की है। तो अगर पसंद आ जाए तो एक वीडियो को लाइक दे देना और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये किला है और जो पूरा जो बिल्डअप किया हुआ है ना वो पूरा पत्थर और ऐसे लकड़ी का बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। और ये यहाँ से जो व्यू दिखता है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। किले का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं रहा है। ये फोर्ट तो बहुत ही फेमस है पर यहाँ का जो फूड कल्चर है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। मैं फूड पार्ट भी कवर करने वाली हूँ आगे। और यहाँ पे अलग अलग दरवाजा है, लाइक दरवाजा इन द सेंस के डोर्स है जो ये पत्थर के बने हुए हैं। और ये जो है ना ऐसे मतलब आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमको ऐसे चढ़ाई करना पड़ता है, कहीं पे उतरना पड़ता है। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। और अगर आप लाइक सैटरडे संडे जाते हो तो थोड़ी सी भीड़ ज्यादा रहती है, वीकडेज में थोड़ा सा कम रहता है रश। और अभी आप देख रहे हो ना जो मैं दिखा रही हूँ वो है कि अगर आप ट्रैक करते हुए आते हो तो कैसा पार्ट है। तो ऐसा वाला ट्रैक है ये पूरा जो मैं दिखा रही हूँ। और एक व्लॉग में लेके आऊंगी जहां पे मैं ट्रैक करते हुए सिंहगढ़ फोर्ट पे जाऊंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना तो वो भी वीडियो आप देख सकोगे। और ऐसा ट्रैक जो है ना वो मीडियम लेवल का है और जब हम पहुंचते हैं किले के पास तब थोड़ा सा हार्ड ट्रैक है। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ट्रैक करना, एक बार तो जरूर करना चाहिए। और ट्रेक अगर करना है तो विंटर इज द बेस्ट टाइम क्योंकि तब फिसलन ज्यादा नहीं होती है और धूप भी ज्यादा नहीं होती है। और यहाँ पे हम कॉर्न चाट खा रहे हैं तो यहाँ की इतनी अच्छी कॉर्न चाट थी ये, मतलब अमेजिंग टेस्ट था। अगर आप आते हो तो जरूर ट्राई करना। यू कैन सी कितना डिलीशियस लग रहा है ये कॉर्न चाट। और वैसे भी मेरे कॉर्न तो फेवरेट ही है, ये जो कॉर्न चाट है ये तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मैंने घर पे ट्राई भी किया था, ये जो रेसिपी इन्होंने हमको बताई थी तो ये बहुत ही अमेजिंग था, डिलीशियस था एकदम ही। तो मैं जो बोल रही थी ना कि बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो जो फ्लावर का काम है और मतलब हर एक चीज यार, तब के टाइम में कुछ भी नहीं था फिर भी इतना अच्छा किला बनाया हुआ था। लाइक ट्रांसपोर्टेशन की वगैरह फैसिलिटीज नहीं थी फिर भी इतना अच्छा बनाया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जो एक काम का प्रेशर है पूरा वीकडेज में जो
प्रेशर आता है वो वीकेंड पे अगर आपको रिलीफ करना है, छोड़ देना है ना, तो यहाँ पे आना बेस्ट डिसीजन है। और मैं एक एक चीज वहां पे एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी, और उतना ही किला ये जो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, देखने में मजा आ रहा था और बहुत ही हिस्टोरिकल वाइब्स देता है ये। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ऐसे गार्डन टाइप क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, और यहाँ पे बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हो, और ऊपर तक आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिलता जाएगा। सो डोंट वरी, बहुत बड़ी बैग कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पानी बॉटल और कुछ बिस्किट्स वगैरह लेके आइएगा। और ये है कल्याण दरवाजा, तो अब वो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको पूरा किला घूमना है, पूरा फोर्ट आपको घूमना है, तो आप थक जाते हो। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मटका दही जो यहाँ पे मिलता है वो ट्राई कीजिए, वो इतना अच्छा होता है, मतलब वो ठंडक दे जाता है आपको। और अगर आप ऐसे धूप में जा रहे हो ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहता है। सो एक बार जरूर जरूर वो ट्राई करना। कल्याण दरवाजा देखने के बाद ये हमने एक रास्ता लिया था, तो यहाँ से आप तानाजी कड़ा जो है वो बहुत ही फेमस है, तानाजी मूवी भी आपने देखा होगा, तो वहां पे भी मतलब वो मेंशन किया गया है, तो वहां पे जा रहे हैं अभी हम। लेकिन हम इतने थक गए थे ना, और वो जो कर्ड हमने खाया उसके बाद हम इतने रिफ्रेश हो गए, तो हमने डिसाइड किया आप इधर भी चलते हैं करके। सो यहाँ पे जाते वक्त है ना, बहुत ही एक स्लोप लगता है, अभी आप देखेंगे, और पूरा नीचे खाई है, तो आपको बराबर संभाल के जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी भी किले पे जाते हो, तो आपको बताइए कि शूज पहन के जाइए और कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाइए, तो इट्स मोर इजी फॉर यू। मेरे जो शूज है ना, वो थोड़े से स्लिप हो रहे थे, तो मेरे को ऐसे बैठ बैठ के जाना पड़ा, जो बहुत ही फनी लग रहा था, बट क्या करे, अभी कुछ ऑप्शन नहीं था। आप देख रखते हो पूरा स्लोप है, और वो जो मिट्टी है वो ड्राई है, तो उसपे से आपका पैर जो है ना, वो इजिली मतलब फिसल रहा था। अब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो दीवार है उसके पास की जो सीढ़ियाँ है ना, वो पूरी टूटी हुई है, ब्रेक हुई हुई है, तो यहाँ से भी चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि नीचे पूरी खाई है, तो अगर एक लकड़ी रख सकते हो आप साथ में तो रखिए, या फिर आपको ये पूरा किला नहीं भी घूमना है ना, तभी भी आप आ सकते हो, ये वाला खाइए, वो जो मैं बता रही थी। हाँ, तो मैं जैसे बोल रही थी आप सबको, अगर आपको पूरा ये नहीं भी घूमना है, तब भी आप आ सकते हो, सिर्फ जो मैंने पहले बताया था ना, जैसे तोफखाना वगैरह वहां तक आप आइए, वहां तक भी बहुत ही अच्छा लगता है, वहां पे बैठिए और फिर जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सारे लोग किला नहीं घूमते, एक बार घूम लिया तो बस हो गया ऐसा, तो वो भी बहुत ही, क्योंकि ये जो पूरा किला घूमने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लाइक 3-4 घंटे तो निकल ही जाते हैं इजीली। Thank you.
नाउ वी आर हियर इन अमृतेश्वर टेम्पल, और ये भी टेम्पल बहुत ही सुंदर है। ये आराध्य देवत माना जाता था वहां पे, और बहुत ज्यादा पूजा अर्चना की जाती थी इस टेम्पल में। सो आफ्टर सीइंग दिस ब्यूटिफुल फोर्ट, आपको भूख तो लग ही जाती है, क्योंकि इतना बड़ा फोर्ट घूमते घूमते, और अगर आप वीकेंड पे आते हो तो अच्छा सा खाना यहाँ पे एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का ये फूड कल्चर है, यहाँ की ये चीज़ें जो है बहुत ही फेमस है, टेस्टी है, डिलीशियस है, क्या मैं बोलूँ आप, क्योंकि मुंह में तो पानी आ रहा है मेरे अभी भी। तो ये जो अंकल, ये कांदा भजी बोलते हैं इसको, आपको पता होगा अगर, तो कांदा भजी जो है ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और एक बार तो जरूर ट्राई करना बनता है। अगर आप आ नहीं सकते ना, तो एक बार घर पे जरूर बना के खा लेना, तो आपको पता चल जाएगा मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। और ये डिलीशियस फूड खाने के बाद, और जो मैं बोल रही थी मटका दही, वो तो हमने खा लिया था, पर इसका ताक बनता है, यानी आप बोल सकते हो खट्टी लस्सी बनती है। सो ये भी बहुत ही अमेजिंग लगती है। सो ये था हमारा पहले नाश्ता, और बाद में हमने खाना भी खाया था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना खाए जाए, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, ये आपके मुंह में रहेगी, सालों तक रहेगी, इतना टेस्टी खाना होता है यहाँ का। और ये जो ढाबा है, सिंहगढ़ ढाबा ही बोलते हैं इसको, ये तो मेरा फेवरेट है। और आहा, वो जो भज्जी खा के जो मजा आया ना, आहा, बहुत ही क्रिस्पी करारी थी, और बराबर स्पाइसेस वगैरह मेंटेन रहते, उनकी चटनी बहुत ही फेमस है। और अब हमारा यहाँ पे खाना लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो फोर्ट है, वो फोर्ट, यहाँ के व्यूज, यहाँ का खाना पसंद आया होगा, और मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया है ना, दिल से पसंद आया, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और जाते जाते ये जो गन्ने का जूस है, ये भी हमने पिया था, और ऐसे व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लोनावड़ा वाला व्लॉग है मेरे चैनल पे, और भी कुछ व्लॉग्स है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट। पानी पानी पानी।